कार्यक्रम में आप कार्यकर्ता को देख भाजपा नेता उलझे। सांसद दिया कुमारी के समक्ष भाजपा के सदस्यता अभियान में हुआ हंगामा। बिहार भाजपा में उस समय उफान आ गया जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व राजस्थान माइनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष राधावल्लभ माहेश्वरी राजसमंद सांसद दिया कुमारी की कार्यशैली से प्रभावित होकर भाजपा के सदस्यता अभियान में सदस्यता ग्रहण करने पहुंचे। तभी वही मौजूद भाजपा के पार्षद सरदार मंगा सिंह मोनू की उलट सुलट बातों का शिकार होना पड़ा। जो ही सरदार मंगा सिंह मोनू ने सदस्यता ग्रहण करने आए, माहेश्वरी को कहने लगे कि कैसे आए हैं, ये भाजपा का कार्यक्रम है ना कि कोई आम आदमी पार्टी का। पार्षद मोनू की कई बात अखरने पर माहेश्वरी बिना कुछ बोले कार्यक्रम से बाहर चले गए। आप कार्यकर्ता माहेश्वरी के साथ कई फौजी भाई भी आए थे। पार्षद मोनू की बात से खफा होकर माहेश्वरी ने बताया कि पार्टी के कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने एक छोटे कार्यकर्ता द्वारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आने वालों को यदि अपमान सहना पड़े तो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने का क्या उद्देश्य है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जब विवाद हो रहा था तब सांसद महोदय मीडिया से मुखातिब हो रही थी और उनके सामने ही तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर सदस्यता ग्रहण करने आए दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान कर उनके साथ बदतमीजी करना, फिर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पवन जैन द्वारा समझाए जाने पर उनके साथ बहस करना, कि यही भाजपा का अनुशासन है। इस बात को लेकर कई लोग जो सदस्यता ग्रहण करना चाहते थे वह बजाय सदस्यता ग्रहण करने के वहां से चले गए और जाते जाते कहके गए कि जब तक पार्टी के ऐसे तथाकथित लोग रहेंगे पार्टी की बजाय छवि बनने की बिगड़ना शुरू होगी। राधावल्लभ माहेश्वरी ने इस घटना की जानकारी सांसद दिया कुमारी को दी और पार्टी में ऐसे तथाकथित लोगों से दूर रहने को कहा। उन्होंने बताया कि ये जो लोग पार्टी के साथ विधायक व सांसद का दामन थामकर अन्य लोगों से इस तरह का व्यवहार करते हैं, इनका कहना है कि मैंने आप नेता राधावल्लभ माहेश्वरी से कार्यक्रम में आने का कारण पूछा तभी पवन जैन सहित अन्य लोग मुझ पर गर्म होने लगे। ऐसे कहीं आपसे झड़प वाली बात नहीं है, ये हमारे परिवार का मामला है। तो सब कल के मामले को लेकर आप बताइए क्या हुआ था। कल कैसी नंदन गार्डन में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान को लेकर एक कार्यक्रम था जिसमें हमारी क्षेत्रीय सांसद दिया कुमारी जी सदस्यता अभियान का संवाद सुनकर देवीशंकर जी बोधरा भी उपस्थित थे। सदस्यता अभियान में भागदार बनने वाले लोगों के बारे में मैंने जिला एवं प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया। आखिर ये क्या विवाद हुआ था, किस बात को लेकर ऐसा विवाद हुआ था। सदस्यता अभियान के दौरान जो भी विवाद हुआ मैंने पार्टी का मामला था, इसे पार्टी के नेतृत्व के समक्ष मैंने पहुंचा दिया है, वो इसको नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि राधाकृष्ण माहेश्वरी जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो भाजपा को ज्वाइन करने आए थे। पार्टी के सदस्यता अभियान का कार्य चल रहा है, हम आम लोगों को सब लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पार्टी का परिवार बड़ा हो इस निमित्त हमने कई लोगों को आमंत्रित किया था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप समांतर कार्यक्रम भी करते हैं और स्वाभाविक रूप से विधायक खेमे को आप डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा पार्षद ने आप जो विरोधी थे उन्होंने आरोप लगाया। कल का जो भी घटनाक्रम हुआ उसको मैंने जिला एवं प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा दिया है, संपूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया है, वही इस बारे में ज्यादा बोलना चाहता हूँ। कैसी नंदन गार्डन के अंदर हमारा सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा था, माननीय विधायक महोदय वो दिया कुमारी के साथ मैं पार्षद मंगल सिंह मोनू गया उनके साथ के अंदर हमने सदस्यता अभियान का कार्यक्रम और सदस्य बनाए। हमारा गजमेरी गेट पे भी कार्यक्रम था, वैसे कैसा कार्यक्रम में कैसे नंदन गार्डन में भी था, वहां पे कार्यक्रम चल रहा था तो एक आम पार्टी के कार्यकर्ता गुराधो वल्लभ जी महेश्वरी नाम है, मैं उन्हें जानता कम हूँ, वो वहां खड़े थे। मुझे ध्यान था कि वे आम पार्टी के हमारी बीजेपी के खिलाफ में हमेशा ज्ञापन और आरोप पढ़ते हो विधायक महोदय दिया कुमार जी के लिए करते रहते हैं। मैंने उनको वहां देखा तो मैंने कहा साहब यहाँ खड़े हो, क्या मेरे सदस्य मेरे साहब स्टेज पे जाओ, वहां मैडम के वहां जाकर सदस्य ज्वाइन कर लो तो कार्यक्रम खत्म हो गया। मेरा इतना कहते ही वो भड़क गए क्योंकि वो सदस्य ज्वाइन करने तो आए नहीं थे और कोई ना कोई ज्ञापन देने के लिए आए थे। इसी बीच में हमारे जिला संगठन मंत्री हमारे पवन जी जैन वो इस बात को लेकर आवेश में आ गए क्योंकि उनको पता था कि इन्होंने सदस्य तो ज्वाइन करनी नहीं है और ये हमारे यहाँ पर ब्यावर के अंदर इन्होंने समांतर दो अध्यक्ष बना रखे हैं जो खुद के कार्यक्रम करते हैं, मंडल का कार्यक्रम अलग होता है और इनके कार्यक्रम अलग चलते हैं और हम लोग मंडल के साथ चलते हैं तो इनको थोड़ी सी तकलीफ होती है और अब तकलीफ हो रही है तो इनको विधायक मोदी को हमारे को बदनाम करने के लिए ये ऐसे ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। हम तो इतना ही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी एक है, हमारा परिवार हमारा संगठन हमारा सब एक है। मैं तो उन लोगों को कहूंगा कि सनातन जो अध्यक्ष और ये चीजें मना के चला रहे ऐसा काम नहीं करे, सदस्यता अभियान को सदस्यता अभियान के तरीके से चलावे, इसको किसी को ग्रुपबाजी से और इससे नहीं जोड़ा जावे।